हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा दो की घड़ी, जिसका चैप्टर है 10वां। और हमारे चैप्टर का नाम है अंक जोड़ो। क्या नाम है? अंक जोड़ो। इस चैप्टर के दो पार्ट होंगे, तो ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर अंक जोड़ो। आइए देखते हैं, पहले अपना पूरा पेज देख लेते हैं। इस पेज में क्या है कि हमको एक से लेकर कितने तक गिनतियाँ दिखाई गई हैं, 63 तक, 63 तक गिनतियाँ दिखाई गई हैं, जो कि एक सांप के पेड़, मतलब सांप की बॉडी पे बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये गिनतियाँ पहले पढ़ लें। चलिए पहले गिनतियाँ ही पढ़ लेते हैं। 81 82 83 84 85 86 97 98 100। ठीक है, अब बोर मत होना। मैंने गिनती इसलिए बढ़ाई क्योंकि आपको गिनती जो है वो रिवीजन हो जाए, अब जाना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पढ़ते हो पढ़ते रहो चुपचाप। यहाँ क्या लिखा है? गेंद उछालो। गेंद उछालो क्या, किस लिए गेंद उछालनी है? जानवर जंगल में खेल रहे हैं। जो जानवर हैं क्या कर रहे हैं? जंगल में खेल रहे हैं। बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं, जब तक कि गेंद गिर ना जाए। हर खिलाड़ी को दो बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उसके अंक जोड़ा, मतलब अंक जोड़ता जाता है। क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ता है? तो भाई मुझे तो नहीं पता कैसे जोड़ता है, आइए देखते हैं कैसे जोड़ता है। तो ये जो है, तुमने, ये कहता है तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली है। मतलब ये जो है बैट पे गेंद उछाल रहा है, ये कह रहे तुमने बिना गिराए 14 बार उछाली है गेंद। ठीक है, फिर क्या कहता है? फिर दूसरा जो है ये कहता है अभी मेरी जो बारी है वो बची है। फिर ये कहता है कि इस बार गेंद सिर्फ 7 बार उछली है, पहले 14 बार उछाली थी, फिर इस बार कह रहा है कि 7 बार उछाली है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उसने कितने तक उछाला है? 21 तक उछाला है। 14 पहले बार उछाली थी, फिर 7 बार उछाली, इन दोनों को जोड़ दिया। 7 और 4 कितना होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 4 11 12 7 4 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, 1 हासिल और 2 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया, इस तरीके से ये कर लिया। अब क्या है? तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, बुन्नू सांप के कान खानों में अंक जोड़ता है। 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है और 7 कदम जो है कूद जाता है, तो वो कितने पर पहुंच जाता है? 21 पे पहुंच जाता है। तुम भी इस तरह सांप के खाने को जोड़ सकते हो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे 16 और 7 को जोड़ना है, तो 16 और 7 को कैसे जोड़ेंगे हम? 16 पे हम खड़े हो गए, फिर 7 और जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना दिए, तो 17 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ऐसे 18 और 10 है, तो 18 पे खड़े हो जाओ, 10 और बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो 18 तो ये हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऐसे ही हम ये 19 और 15 जोड़ते हैं, तो 19 और 15 जोड़ते हैं तो क्या है, 19 हमने लिख लिया और 15 हम खाने बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 19 तो ये हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 34 आएगा। क्या आएगा, 34 आएगा। अब यहाँ पे 49 और 13 है, तो 49 तो हमने बनाए लिख लिया है, साथ में 13 लाइनें खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 49 तो ये है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ऐसे 17 4 तो हमने जोड़ ही लिया था, 21 हो गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो भाई इसके बाद खेल में कौन जीता इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें यही पता चला है कि खेल में जीता है जिसके 49 + 13 थे, वो खेल में जीता। ठीक है, और खेल में कौन हारा, तो खेल में हारा वो था जिसने जिसने ये बनाए थे, 21 बनाए थे। ठीक है, 14 + 7। ठीक है, अब बुन्नू ने जीतने वालों को दो क्या दिया, केला दिया। अब आगे चलते हैं, अब कह रहे पूछो तो बताओ कोई शायद पहली है, देखते हैं क्या पहली है। ये कहते हैं बूझो और बताओ, प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जा रही है, वह अपने साथ 15 किलोग्राम गन्ना और 7 किलोग्राम ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, मार्टरल नाचती से नदी पार करती है, गांव में वह 25 किलोग्राम तक भार ले जा सकती है, क्या वह सारा सामान ले जा सकती है, तो कुछ मिस प्रिंटिंग है, मैं कैसे समझाऊँ इसको, मुझे समझ में नहीं आया है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ऐसा करना आप कि आप कमेंट में ये जो क्वेश्चन है वो मुझे सेंड कर देना, तो मैं ये बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन आखिर क्या है, यहाँ पे लिखा है इस बार कंगारू गोरिल्ला हिरन जिराफ शेर खेलने आए, लेकिन शेर हार गया, उसने गुस्से से कुछ अंक मिटा दिए, मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखना है, तो शेर जो था वो हार गया तो उसने कुछ अंक जो थे वो मिटा दिए, तो हमको लिखना है कि अंक क्या थे, तो है 16 और यहाँ पे अंक उसने मिटा दिया और इधर 21 लिखा था, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से 21 में से 16 को घटा देंगे। ठीक है, तो 21 में से 16 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो एक में से तो 16 जाएगा नहीं, एक में से 6 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे 10 उधार ले लेंगे, इससे 10 उधार ले लिए तो एक की जगह पे क्या हो गए, 11 हो गए। अब 11 में से 6 घटा दो, क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, और इसने तो 10 उधार दे दिया था, ये इसका 10 इसका इसका एक इसका 10 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 की जगह पे अब क्या बच गया, 2 की जगह पे अब बच गया 1, और 1 में से 1 गया 0, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे शेर ने मिटा दिया, यहाँ पे लिखा रह गया, यहाँ पे लिखा रह गया, अब हमको बताना है, तो 32 में से हमको क्या घटाना है, 8 घटाना है। ठीक है, तो आप कहोगे 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इस बार हम क्या करेंगे, इससे 3 से हम 10 उधार लेंगे, 3 से जब 10 ने 2 ने उधार लिया 10, तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4 बच गया, तो 3 की जगह पे क्या बचा, इसने उधार दे दिया था ना, तो 3 की जगह पे 2 बच गया, तो मतलब कि 2 और 4 24 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 होगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, यहाँ पे 16 और 13 को जोड़ना है, तो ये तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, 6 और 3 9 होता है और 1 1 2 होता है, मतलब यहाँ पे 29 आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो इस बार हमें क्या करना है, 35 से 5 घटा देना है। ठीक है, ये बराबर के इधर में जो लिखा होता है और बीच में अगर प्लस का निशान है तो हमें घटा देना पड़ता है, तो 5 में से 5 गया 0 और 3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा।
अब इधर प्लस, इधर ये कोई संख्या लिखी है प्लस में और इधर बराबर में लिखा है, तो मतलब 30 में से हमको क्या घटाना है, 30 में से 23 हमको घटाना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, जीरो में से 3 तो जाएगा नहीं, तो इसने इसको 10 उधार दे दिया, तो जीरो की जगह पे क्या हो गया, जीरो की जगह पे 10 हो गया, और 10 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, तो वो 7 हमने यहाँ पे लिख दिए, और 3 की जगह पे क्या हो गया, 2, और 2 में से 2 गया 0, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, बेबी आ गया है, एक मिनट रुको जरा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चित और पट, क्या लिखा है, चित और पट, ये हमारा चित है, ये उल्टी साइड में हमारा पट है, इसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है, हेड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको हम पानी, उधर हमारा टेल है, ठीक है, पानी कंप्लीट कर लें। क्या तुमने 1 रुपए के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है, एक तरफ क्या लिखा होता है, एक तरफ 1 लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तरफ 1 लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं, पट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिस तरफ 1 लिखा होता है उसको हम पट बोलते हैं। समीना और सादिक खेल रहे हैं, उनके पास बोर्ड पर 1 से 99 तक संख्याएं लिखी हैं, हर खिलाड़ी के पास एक बटन है, वे सिक्का उछालते हैं, जब चित आता है तो 10 कदम आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जब चित आता है तो मतलब जब ऐसे सिक्का गिरता है तब 10 कदम आगे बढ़ा दिया जाता है, और यदि समीना, जैसे कि यदि समीना 6 पर है तो वो 16 पर चली जाएगी, यदि उसका पट आता है मतलब उल्टा सिक्का आता है तब वह केवल 1 कदम आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये खेल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप तुम भी इस खेल को खेलो, पहले घर में जो पहुंचेगा वो जीत जाएगा, और 10 कदम आगे बढ़ने का रास्ता क्या है ये हमको बताना है। तो मान लो एक बार चित आया है तो वो 10 कदम पे पहुंच गया, एक बार पट आया तो 1 कदम पे पहुंचा, ठीक है, कहाँ पे पहुंचेगा वो, 11 पे पहुंचेगा, 11 से फिर 10 पे आ गया, फिर वो हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा, 21 पे पहुंच जाएगा, फिर 21 से फिर मान लो पट आया, तो इस तरीके से हमारा गेम जो है वो चलता रहेगा। तो ये गेम आपको अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो ये इस तरीके से आज की जो वीडियो वो बस इतनी ही है, और बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, अब आपको हमारे वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लेंगे, और हमारी गुरु दक्षिणा आपको देनी है, गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो झट से कर लीजिए, और हमारे चैनल को शेयर करके आप हमारी गुरु दक्षिणा देते रहिएगा, ठीक है, गुरु दक्षिणा देना नहीं भूलिएगा, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का क्वेश्चन रह गया, आज का क्वेश्चन ये है, 10 में, आज का क्वेश्चन क्या है, 10 में अगर 50 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को पूरा कवर कराने के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए